गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट फोर वीडियो है चैप्टर का। पार्ट फोर वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 16। कह रहा है यदि y बराबर दिया है e टू द पावर माइनस x इंटू कॉस एक्स, तो हमें साबित करना है कि d का पावर 4 y बटा में डी एक्स का पावर 4 प्लस 4 y बराबर में 0, यानी कि इसे हमें 4 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब जाके ना होगा काम हमारा। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। चलो देखो, इसको u इंटू बी पे ना, तो e टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स ही होगा। अच्छा, और माइनस एक्स का माइनस का 1 इंटू में कॉस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को वैसे ही रखे कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन। चलिए, तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स। मैं यहाँ से ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन कर लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका कॉस एक्स और प्लस में साइन एक्स। ठीक है, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ से, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर। देखो, इसको भी यू इंटू बी पे, तो यह यू है तो इसका डिफरेंशिएशन तो यही हो जाएगा, और इंटू माइनस एक्स का माइनस 1। ठीक है, माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा। चलिए, इंटू में आप ये लिखोगे कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। ठीक है, प्लस फिर से आपको माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स को ऐसे ही लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस का माइनस का साइन एक्स और यहाँ साइन का हो जाएगा आपका कॉस एक्स। हो जाएगा ना, समझ आया ना बात को। चलिए, तो आगे सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस कर दो और ई टू द पावर माइनस एक्स दोनों जगह से कॉमन कर लो, ई टू द पावर माइनस एक्स, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पे, यह बच जाएगा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। देखो यह माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अच्छा, यहाँ देखो यह माइनस है, ठीक है, और यहाँ देखो एक काम कर रहे हैं, यहाँ माइनस है और अंदर मल्टीप्लाई करेगा ना माइनस साइन, क्योंकि सिर्फ हम लोग ई टू द पावर माइनस एक्स को बाहर निकाल रहे हैं, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला जो है वह हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स को काट देते हैं, तो साइन एक्स टू साइन एक्स, यानी कि यहाँ से हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया है वह क्या हो रहा है, टू ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स। चलिए, अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, फोर्थ ऑर्डर तक ले जाना है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, डी क्यू वाई बटा में डी एक्स क्यू, टू कॉन्स्टेंट है इसको ऐसे ही रखो, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो यूनिट फी पर, तो इट द पावर माइनस एक्स का इट द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का माइनस 1 और इंटू में आपका साइन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को ऐसे रखे साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे ई टू द पावर एक्स को फिर से बाहर निकालता हूँ, डी क्यूब वाई बटा में डी एक्स क्यूब बराबर में टू ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, चलिए इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, डी का पावर 4 y बटा में डी एक्स का पावर 4 बराबर 2, ये कॉन्स्टेंट इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको मैं u इंटू v पे करता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा, इंटू में माइनस एक्स का माइनस 1 और इंटू में आपका यह रहवे करेगा माइनस का साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस u को वैसे लिख दो e टू द पावर माइनस एक्स को और इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का यहाँ कॉस हो जाएगा, तो माइनस का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, d का पावर 4 y बटा डी एक्स का पावर 4 बराबर 2। अच्छा देखो, अंदर से मैं e टू द पावर x को बाहर निकालू क्या, e टू द पावर माइनस x को मैं बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ माइनस 1 बचा, इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन, देख रहे हो ना, प्लस का साइन x और माइनस का cos x। ठीक है, यहाँ देखो ये दोनों माइनस के ही है ना, तो माइनस का cos x और माइनस का साइन x। ठीक है, साइन x से साइन x कट गया, तो d का पावर 4 y बटा में डी एक्स का पावर 4 बराबर 2 e टू द पावर माइनस एक्स इंटू में माइनस का 2 cos x, माइनस का
टू कॉस एक्स, यही ना होगा आपका। चलिए अब आगे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। डी का पावर फोर वाई बटा में डी एक्स का पावर फोर बराबर, ये दो दूना चार हो जाएगा, माइनस का चार ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स किसका वैल्यू है, तो क्वेश्चन में देखो ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स वाई का वैल्यू है, तो मैं इसको हटा के वाई लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि हो जाएगा डी का पावर फोर वाई बटा डी एक्स का पावर फोर बराबर माइनस फोर वाई, इधर आके प्लस का हो जाएगा, डी का पावर फोर वाई बटा में डी एक्स का पावर फोर प्लस में फोर वाई बराबर में जीरो। प्रूफ हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन